नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, ईशा क्रिया का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। ये क्रिया सद्गुरु के द्वारा दी गई है और ये ऑनलाइन क्रिया है, और इसको किस प्रकार से किया जाना चाहिए वो तो सब उस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सो प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, और मैं आपको ईशा क्रिया के एडवांटेजेस और किस लेवल तक ये आपको लेकर जा सकती है सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो दोस्तों, ईशा क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम लोगों को ये अवगत कराया जाता है। अगर आप उसको जाकर एनालाइज करोगे, वीडियो को देखोगे, तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि हम लोगों को कुछ मिनट तक अपने आप को सांसों के साथ आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट द नॉट इवन द माइंड ये रिपीट करना होता है, या फिर हिंदी में अगर आप कहें कि ना मैं शरीर हूँ और ना ही मैं मन हूँ, और उसके बाद हमें आ का चैंट आ का आ साउंड करना होता है, और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर आँख बंद करके हल्की सी गर्दन ऊपर करके बैठे रहते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी प्रोसेस हो रहा है ये सब आँख बंद करके ही होता है। तो ईशा क्रिया की अगर हम बात करें तो ईशा क्रिया में हम लोग ये देख रहे हैं, हम अपने आप को रिमाइंड करवा रहे हैं कि आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड। तो अगर कोई शुरुआत में इसको देखेगा, जिस व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसको कुछ नहीं पता है, और वो अपनी केवल डिप्रेशन या इन चीज़ों को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए ये क्रिया करने जाता है, तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड का मतलब ही समझ नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, ये बिगिनर लेवल के लिए है, तो आपको जो प्रोसेस बताया जा रहा है आप उस प्रोसेस को बिना सोचे समझे फॉलो करते रहे। आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड, प्रोसेस को फॉलो करते रहे, और जो प्रोसेस आपको जिस जहाँ तक उसने लेकर जाना है वहाँ तक वो आपको लेकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ईशा क्रिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और वो कहते हैं कि कोई और मेडिटेशन टेक्निक जैसे विपश्यना, मैंने ईशा क्रिया करनी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं विपश्यना मेडिटेशन करने लगी। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि ईशा क्रिया आपको किस लेवल तक लेकर जा सकती है। उनके लेवल का रियलाइजेशन, जिस लेवल की प्रिपरेशन आपको चाहिए ईशा क्रिया करने के लिए, शायद वो प्रिपरेशन आपके पास नहीं थी, इसलिए ईशा क्रिया आपके लिए काम नहीं करी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक हठयोग का टीचर है, वो बता रहे हैं कि एक बार वो शून्य करने के बाद हठयोग की प्रैक्टिस में दोबारा आए, तो उनको जैसे वो क्लास के अंदर आए तो उन लोगों को ईशा क्रिया करवाई गई। ईशा क्रिया हठयोग टीचर ट्रेनिंग में करवाई जाती है, तो वो देखो किस लेवल की ईशा क्रिया होगी जो उनको हठयोग टीचर ट्रेनिंग में करवाई जा रही है। तो वो कहते हैं जैसे मैं ईशा क्रिया मैंने करी, मैं ब्लास्ट हो गया, बिल्कुल रोता ही रहा। तो ये इस लेवल तक आपको ईशा क्रिया लेकर जा सकती है, बट आप प्रिपेयर हो या नहीं हो, इट्स वेरी सिंपल। तो आपको प्रिपेयर होने का मतलब क्या है, प्रिपेयर होने से मतलब क्या है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ईशा क्रिया करने आप अगर जा रहे हो तो अपने अंदर आपको ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, इस चीज़ को बिठा ले कि यू आर नॉट दिस बॉडी, आप ये शरीर नहीं है। मतलब ये शरीर नहीं है का मतलब क्या है कि आपने ये जो शरीर है खाना खा के इसको बनाया है, इस ये बचपन से लेकर पहले बड़ा होता है, और फिर धीरे 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 जब आप बूढ़े होने लगोगे तो ये शरीर भी गिरने लगेगा। तो वहाँ पर ईशा क्रिया में सिंपल आपको बात एक बताई जा रही है कि यू आर नॉट द बॉडी, और उसका फिर ब्रेथ के साथ कुछ कनेक्शन कर दिया जाता है, बिकॉज ब्रेथ की वजह से ही हम लोग अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ब्रेथ हम दोनों ब्रेथ ने नॉन फिजिकल और फिजिकल को एक साथ बांध के रखा हुआ है, इट्स वेरी सिंपल। तो आप ना तो आप बॉडी हैं और ना ही आप मन है। मन का मतलब अगर हम समझे फिलहाल के, इतना हम समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, तो इनको ही आप फिलहाल के लिए मन समझ सकते हैं। मतलब जो इंप्रेशन आपने आज से लेकर अब तक बनाया हुआ है आपके दिमाग के अंदर, आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ इंप्रेशन आपके अंदर पड़े हुए हैं, वही सोचते हो, उन्हीं को आप सोचते कि वो आप हो, तो आप ये भी नहीं हो। माइंड का मतलब कि जनरली लोगों को नहीं पता होता है, लोगों को लगता है माइंड का मतलब दिमाग होता है, ऐसा नहीं है, वो मन है। और मन की अगर आप बात करोगे तो मन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि आप मन को नहीं समझ पाएंगे, तो लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इच्छाएं ये उत्पन्न भी हो रहे हैं ये भी आप नहीं हो। ये उस लेवल की चीज़ आपको बताई जा रही है, बट क्या आप प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए? अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए काम नहीं करेगी, काम तो बिल्कुल करेगी, बट फिर अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होगी तो वो एकदम से आपको फ्लाइट मतलब हवा में भी लेकर जा सकता है। लेकिन अगर आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जाएगा। और जब आप ईशा क्रिया की प्रैक्टिस कुछ दिनों तक करने लगोगे तो एक चीज़ जो मैंने भी फील करी थी वो ये थी कि हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी थोड़ी हल्की लगने लगती है। और ईशा क्रिया के अनेकों ही फायदे हैं। जो लोग थोड़ा सा डिप्रेशन, एंग्जाइटी या गुस्सा वगैरह जिनको आता है, उनको बहुत आराम से इस प्रैक्टिस को करके बाहर निकाला जा सकता है। आप एक दिन में दो बार कर सकते हैं, और सद्गुरु की आवाज़ के साथ आप इसको करें तो देखना आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और इस प्रैक्टिस में कोई भी कमी नहीं है,
बस कमी हमारे समझने में है, रियलाइज होने पर है। जिस दिन जब आप कोई और प्रैक्टिस करने लगोगे, मान लो कि अगर आप हठ योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई हठ योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद अगर आप ईशा क्रिया करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट ही कुछ और है। ये बहुत ज़बरदस्त क्रिया है, बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, लेकिन वही बात है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। कुछ अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और नीचे कमेंट पढ़ोगे काफ़ी लोगों के, तो बहुत सारे लोगों के लिए ही ईशा क्रिया लाइफ चेंजिंग हो गई, लेकिन कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हुई और कुछ लोगों के लिए नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनको समझ ही नहीं आया, या फिर उनकी बॉडी उतनी रिसेप्टिव नहीं थी कि वो ईशा क्रिया के प्रोसेस को उतनी जल्दी रिसीव कर ले। बट ऐसा नहीं है कि वो कभी भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप धीरे धीरे प्रोसेस करते रहे, आप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब ये मत समझना कि कुछ लोगों की ग्रोथ एकदम से हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ लोग पहले ही ऑलरेडी इतने इस लेवल पर थे, इसीलिए उनकी ग्रोथ आपको लग रहा है कि अचानक से हो गई। नहीं, उन्होंने अपने ऊपर कभी ना कभी काम किया होगा, उसकी वजह से आज वो इस लेवल पर थे, और फिर अचानक से जब उन्होंने कोई प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी वो सीधा टेक ऑफ कर गए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ईशा क्रिया को हल्के में मत लेना। और अगर आप ईशा क्रिया के फ़ायदे चाहते हो, जनरली मैं तो हमें हर मोमेंट पे अपने आप को रिमाइंड करवाना जरूरी है कि यू आर नॉट दिस बॉडी और यू आर नॉट इवन दी माइंड। तो बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब अगर हो सके, जिस समय हम नींद में भी जाते हैं ना, उस समय अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रह सकें तो हमारी नींद की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। तो अगर आप सोने से पहले भी कर सकें ये, तो हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा मिले, क्योंकि मैंने कई बार ये ट्राई किया और ये सही में बहुत फ़ायदेमंद रहती है। ईशा क्रिया बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इसके साथ एक चीज़ और भी है, एडवांटेज ये है कि खाली पेट करने की इसको ज़रूरत नहीं होती। आप जब मर्जी इसको तब कर सकते हैं, जब मर्जी इसको तब किया जा सकता है। इसकी कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं, जैसे शांभवी महामुद्रा में चार घंटे के बाद, खाना खाने के चार घंटे के बाद ही आपको शांभवी महामुद्रा करनी होती है। तो इसके साथ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसको ज़रूर ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में रखें। जो लोग केवल शांभवी महामुद्रा कर रहे हैं इस समय पर, मैं तो उन्हें ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप ईशा क्रिया भी रेगुलर बेसिस पे करते रहें, आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग रियलाइजेशन की तरफ जल्दी से जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ईशा क्रिया उनके लिए बहुत अच्छा एक टूल है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे एक्सपीरियंस थे उनके बेस पे मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं, और अगर आपको इनसे कुछ सीखने को मिलता है तो आप प्लीज़ ज़रूर सीखिएगा। और मैं जो भी मेरे ओपिनियन है वो किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अपने साथ लेके जाइए चीज़ें, और अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और किसी और टॉपिक पे वीडियो अगर बनानी है तो उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई जा सकती है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।